की आवाज खबर 7C खबर। सब्सक्राइब करें हमारे खबर 7C न्यूज चैनल को, देखिए रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल की पंचायती चुनाव के महाकवरेज में आप सभी का स्वागत है। अब होगी जनता के संवादों व सवालों पर हमारी सीधी नजर। अब जनता करेगी फैसला, अब जनता की बारी है। अब होगी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व क्षमता की बारी। अब जनता के सवालों पर जनप्रतिनिधि देंगे अपना जवाब। अब होगा जनप्रतिनिधियों व जनता के बीच सीधा संवाद। खबर 7C खबर जो सच है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौहान, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए लेके चलते हैं, हम आपको आज मिलवाते हैं। जैसा कि हम बता दें, इस समय हम जनपद वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक के ग्राम सभा थाना में पहुंचे हैं। आज आइए, युवा नेता बिलाल बाबा जो हैं आज हमारे साथ हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। जैसा कि हम बता दें, ग्राम सभा थाना से ये प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं, भावी प्रत्याशी हैं। सीधे सीधे इनसे रूबरू करवाते हैं और इनसे जानते हैं आगामी चुनाव में, पंचायत चुनाव में इनकी तैयारियाँ क्या हैं। देखा जा रहा है, पिछले 5 सालों में आपने निस्वार्थ भाव से जो है कि गांव की जनता की सेवा की है, आपने तमाम काम किए हैं, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य हमारा रहा है भैया कि चाहे कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, चाहे हमारे गांव में किसी भी चीज़ की समस्या होती थी, नल की, पानी की, लाइट की, बिजली की, A to Z कोई भी समस्या होती थी, उसमें चढ़ भर के भाग लेते थे। और संदेश यही था और बेचारा भी यही, हमारे जो हमारे दिमाग पे भावना जो चलती है कि लोगों को कितना हम अपने प्रति जोड़े, कि लोगों की इतनी सेवा करें, कि लोगों का भाव और लोगों के दिल से यही दुआ निकले, जिस दुआ के चलते आज मैं चुनाव में आया हूं। और इन्हीं सबकी दुआओं का असर है कि आज चुनाव जो भी सीटें होंगी, चाहे OBC हो चाहे सम्मान सीट हो, हम चुनाव लड़ेंगे। और आप लोग के आशीर्वाद से और अपने बुजुर्गों की दुआओं से और यूं ही मैं समाज सेवा करता रहूँगा। आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? जैसा कि चुनाव देखा जा रहा है, चुनाव के लिए आगामी 27 मार्च को जो है कि फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगा, फाइनल आरक्षण की सीट आ जाएगी, उसकी रणनीति आपकी उसके लिए क्या है? आप चुनाव में किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं? चुनाव में रणनीति ये है कि पहली बात तो सारे समाज के लोग हमारे साथ में हैं, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे सम्मान वर्ग के लोग हो, सारे लोग हमारे साथ में हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथ युवा हैं, क्योंकि युवाओं का जोश ही मुझे आज इस मकाम पे लाया है कि मैं तन मन धन से उनका सेवा करता हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है, इस समय हमारा देश युवाओं का देश है, आप अपने ग्राम सभा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का संदेश यही है कि जो भी चुनाव का निर्णय आए, चाहे जो भी सीट हो, कुछ भी हो, वो हमारा सहयोग करे, हमारा सपोर्ट करे, ताकि वो अपने ग्राम सभा थाना का मैं विकास कर सकूं और लोगों की सेवा कर सकूं। साथ ही साथ आप जैसे ही चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, आप अपने ग्राम सभा के समस्त वर्ग विशेष के लोगों को, सभी समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी संदेश के लोगों से यही निवेदन है, यही आज्ञा है, यही अनुरोध है कि किसी जात धर्म को देख के वोटिंग ना करें और अपना गांव का विकास को देखते हुए, अपने गांव को, लोगों को समझते हुए जो सही हो उसे ही चुने, और जो अच्छा व्यक्ति हो, जो समाज के प्रति हमेशा रहे, जो रात बिरात सुबह शाम जो आपकी सेवा कर सके, वही उसी को आप प्रधान बनाए और उसी के लिए जो है कि आप लड़ाई में उसके साथ में खड़े रहें और उसे हो वोटिंग करें। बिलाल जी, ऐसा देखा गया है पिछले विगत 5 वर्षों में आपने निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए ग्राम सभा में अपने कई कार्य किए हैं, एक से बढ़कर एक काम किया आपने, आपको इन सब कार्यों को करके कैसा महसूस होता है? आप जो ये कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने कार्य तो बहुत ही किए हैं, मगर ऐसे कुछ कार्य है जो जनता के प्रति मुझे करने में अच्छा लगा, जाकि क्योंकि उसमें जनता का लाभ भी था और समाज के सारे लोगों का भी लाभ ये रहा कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया जो आज मैं चुनाव में हूँ। जैसे कि मैंने काम किया है अपने ही पीछे की बस्ती है, जिसमें मैंने ट्रांसफार्मर, बिजली खम्भे का काम किया, लोगों के प्रति हर घर घर जाके बिजली पहुँचाया। उसके बाद हमारे गांव के अंदर 1100 मीटर करीब RCC रोड है, जिसको मैंने डॉक्टर अवधे सिंह के द्वारा, विधायक जो आज वर्तमान है हमारे, उनके द्वारा हमने उसको लाया। और जैसे कि लॉकडाउन में राशन वगैरह का भी काम हमने अच्छा किया, जो कि हम तो गरीब परिवार से हैं, मगर
ठीक है, थोड़ा सा जनता का और हमारे लोगों का काफ़ी सहयोग रहा, जो कि मैं अपने गांव की सेवा किया। उसके बाद जैसे भी जिस परिस्थिति में लोग उनसे मुझसे मिलते हैं, आज भी मैं उनसे उस तरीके का व्यवहार करता हूँ। ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि वो हमसे नाराज ना हो, खुश रहें और उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। बिलाल जी, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देख रहे थे आप ग्राम सभा थाना के जो है कि भावी प्रधान पद प्रत्याशी बिलाल बाबा आज हमारे साथ जुड़े थे। बिलाल बाबा ने अपनी सारी रणनीति हमारे साथ शेयर की, साथ ही साथ इनकी क्या तैयारी है, क्या उम्मीदवारी है, साथ ही साथ इनका विकास करने का एक जो मुहिम है, किस प्रकार से ये अपने गाँव को आगे लेके जाना चाहते हैं, किस प्रकार से अपने गाँव का चौमुखी विकास करना चाहते हैं, युवाओं और सभी वर्गों को आगे लेके बढ़ने का जो इनका एक सोच है, उसको इन्होंने अभी बताया हमारे चैनल खबर 7C के माध्यम से। तो आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में जो भी बड़ी खबरें होगी उसको हम दिखाते रहेंगे अपने चैनल खबर 7C के माध्यम से, और तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल खबर 7C के साथ।